जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के प्रभारी रविंद्र गुज्जर ने कहा कि आगामी 13 नवंबर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में प्रतिज्ञा दिवस मनाया जाएगा। यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में श्री गुज्जर ने कहा कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक गैर राजनीतिक संगठन है जो देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने की दिशा में लंबे समय से कड़े कानून बनाने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या से भारत में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आज गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ, इन सभी के मूल में अगर कुछ है तो वह लगातार बढ़ती आबादी है। इसी को लेकर देश के कई अन्य संगठन भी इस समस्या को लेकर जनता को जागरूक करने के साथ साथ सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक अपना राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना चुका है, उसी में मुझको जो जिम्मेदारी मिली है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूँ और मुझे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में मैं काम करूँ। हम लोग दिन रात 13 तारीख को पूरे देश में है ना, हर गांव में भारत माँ का झंडा लहराए और भारत माँ की तस्वीर के आगे हमारे गांव के, वार्ड के, मोहल्ले के, शहर के लोग अपने अपनी जगह इकट्ठा होकर के और वहाँ भारत माँ की प्रतिज्ञा लेंगे कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए। जब तक ये कानून नहीं होगा तब तक हम ये गांव वाले सब आम जनता के तौर पर आंदोलन की तरह काम करते रहेंगे। यह चाइल्ड पॉलिसी जो है, इसका जब तक हमारा गांव का आदमी खड़ा नहीं होगा, गांव में जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं वे बंद हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव सोच वाले आगे आ जाएंगे। इसी के साथ हम लोग आज, मेरा भ्रमण कमाऊ मंडल के 6 के 6 जिलों में है, 6 के 6 के जिलों के जिले के अध्यक्ष आज हमारे अपने अपने जिलों में एक अपनी जो संगठन हमने बनाया उन सब में हम मीटिंग लेंगे और उनको दिशा निर्देश देने का काम करेंगे।